विद्यार्थियों, आप सभी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकेंडरी की पाठ्य पुस्तक बच्चे और सीखना के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं हम, दूसरी सीखना बुद्धि और अभिप्रेरणा। सीखना जो है हमारी फर्स्ट इकाई थी, सीखना का अर्थ पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ रहे बुद्धि, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं, संसी विशेषताएं, वैसले के अनुसार बुद्धि हमने पढ़ लिया था। इसके अनुसार बुद्धि के सिद्धांत ही पढ़ते थे, उसमें बुद्धि और उसके सिद्धांत पढ़े थे। उन्हें सिद्धांतों के अंतर्गत आज हमारा तीसरा जो सिद्धांत है वो है खंड विश्लेषण सिद्धांत, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। ये एनालिसिस थ्योरी, खंड विश्लेषण जो है, ये एल एल थर्स्टन के द्वारा किया था। ये 1887 से लेकर 1955 तक इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थर्स्टन ने खंड विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए समूह खंडों का पृथक्करण किया, मतलब समूह जो है उनका विभाजन, उनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता वाली, मतलब प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता की विधि और खंड विश्लेषण के कारण उसमें थर्स्टन का नाम मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। मतलब क्योंकि उन्होंने मानसिक जो थी क्षमता थी, उन्होंने उन क्रियाओं को अलग अलग, जैसा हमने पढ़ा होगा, पिछले पढ़ा था हमने स्पीयरमैन का। थर्स्टन का कहना है कि स्पीयरमैन का जो सामान्य तत्व हमने पढ़ा था, यह सामान्य तत्व या द्विखंड तत्व पढ़ा था हमने, द्विखंड सिद्धांत पढ़ा था, उसमें सामान्य विशिष्ट विशिष्ट सामान्य बुद्धि वाले और विशिष्ट बुद्धि वाले हमने पढ़ा था। इन दोनों योग्यताओं को उसमें बताया कि सामान्य व्यक्ति हर व्यक्ति के अंदर होता है, उसमें भी हम विशेष प्रकार के कुछ अलग से एस तत्व जो था हमारा, वो सभी प्रकार में सभी विद्यार्थियों में सामान्य बुद्धि होती है, मगर विशिष्ट बुद्धि के लिए उनको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, उनको क्रिया को याद करना पड़ता है। जिनकी मानसिक क्षमता अधिक तीव्र होती है वो विशिष्ट क्षेत्र वाले होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सामान्य बुद्धि योग्यता वाले समूह में विभक्त कैसे किया जा सकता है। इस विभाजन योग्यताओं को उन्होंने प्राथमिक योग्यता, उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का नाम दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षण दिए जाए तो वे सभी एक समान होंगे। जैसा कि हम एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ कि हमने पिछले द्वित प्रथम पढ़ा था, इसके अंदर खंड विश्लेषण के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी क्या क्या होता है पढ़े हम। तो इसमें इन्होंने एक सामान्य मानसिक योग्यता वाले बुद्धि को इन्होंने अलग अलग विभाजन किया। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे एक ये डायग्राम तैयार करता हूँ, डायग्राम तैयार होने का कारण होता है कि ये बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक और बनाना है ऐसे कैसे। ये हमने तैयार कर दिया, देखिए ये हमारा बी है, क्या है बी, और ये है हमारा एस। ठीक है, और यहां बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण। और ए का होता है स्थानीय परीक्षण, स्थानीय
परीक्षा दिख रहा आप सभी को। तो इसने योग्यता वाले भी परीक्षा मतलब इस एक ही सामान्य बुद्धि वाले विज्ञाता को इन्होंने चार भागों में बांटा है, B1, B2, B3 और B4। इसके अंदर भी S1, S2, S3, S4। कहने का मतलब यह हुआ है कि यहाँ पर B का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य योग्यता परीक्षण, मतलब B1, B2, B3 और B4 इनकी उनके अनेक विखंड हैं, इनके बहुत सारे भाग, इन्होंने चार भाग किए हैं। उसी प्रकार S जो होता है वो स्थानीय योग्यता होती है, यहाँ मापन परीक्षण होता है, इसका मतलब क्या होता है मापन परीक्षण होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ उसका होता है मापन परीक्षण। मापन परीक्षण भी है, उनको भी S1, S3, S4 उसके अनेक भाग हैं। इन दोनों ही चित्रों में विशेष जो है वो सहसंबंध दोनों के अंदर देखिए, क्योंकि दोनों के अंदर भी यहाँ ये सामान्य बुद्धि दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों में क्या है सामान्य व्यक्ति है और सामान्य एक ही स्थान पर है, एक मतलब एक जगह पर बैठे हुए हैं। अतः प्रत्येक चित्र जो सामान्य स्थान पर है वो प्राथमिक योग्यता मान प्राथमिक मानसिक योग्यता व्याख्या करता है कि इस प्रकार जो ट्रस्टन है उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति वाले सिद्धांत को उन्होंने अलग अलग विभाजन किया है कि उसमें से सभी विद्यार्थियों में सही बालकों के अंदर एक सामान्य तत्व विद्यमान है। इसके अंदर ये सामान्य जो बीच वाला घेरा ये भी सामान्य तत्व है और ये भी सामान्य तत्व है, इन दोनों के अंदर इस प्रकार से विश्लेषण किया है कि वो उन दोनों के अंदर पृथक्करण की जगह उसको खंड विश्लेषण मतलब एक खंड का उन्होंने चार भाग विभाजन किया है, यहाँ भी चार भाग किया है। तो ठष्टन का ये प्रयोग आपको याद करना है, चित्र के माध्यम से आपको समझ आया होगा। आज के देखना ही हम इसी के अंतर्गत इसमें ठष्टन ने इसके अंदर सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग किया है, जो हम अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।